Hello, people. Thank you again. This is Expose with Kavita Kapoor Khalsa every Wednesday at 9 p.m. And I'm here with a very special guest. Thank her for taking this opportunity of being on my episode. She's Akya. She is from Ahmedabad. And she's not just my guest for today. I mean, I have some very special reason for having her. She is Mrs. Gujarat Classic. So she is 62 years of age, just in case you did not know. Mrs. Gujarat Classic 2020. I know Corona se sab log bade dukhi hain, lekin ek khushi ki baat thi. She is now heading for Mrs. India, which is going to happen in Goa, maybe next year. She has been running her salon in Ahmedabad for 26 years. She's very good with skin treatments and she makes people look beautiful. And she herself is a very beautiful person. She's done a lot of healing modality. Of course, access consciousness. She's done body processes. She's done a lot of stuff, you know. And let's get to know more from her. Hello, Renuji. Hi, बस बिल्कुल अच्छे, very much fine. आप बताओ कविता. बढ़िया. एक thank you पहली बात आने के लिए. मैं आपसे सिर्फ एक pointed question जानना चाहती हूँ कि आप access में आए कैसे और कब आए? Access में मैं आई 2012 में. 12 में through भारती. जब बहुत मैं upset थी थोड़ा अपनी फैमिली से, वही स्टोरीज, वही डिफिकल्टीज, वही प्रॉब्लम को अगेन एंड अगेन डिस्कस करना. और एक्सेस का फर्स्ट क्लास था अहमदाबाद में, जब वही ज्वाइन किया मैंने. और उसके बाद तो पता नहीं लाइफ कैसे चेंज हो गई. आई डोंट नो. आई नो. अब आई नो आपके बच्चे भी हैं इसमें तो. लेकिन क्या मतलब क्या बदला, क्या अगर मैं पूछूं कि दुख ने आपको इसमें लाया, आपके परिवार का जो दुख था, जो चीजें हैंडल नहीं हो पाती थी, लेकिन उससे बदला क्या, आने के बाद क्या बदला? उसके बाद सबसे पहले तो लाइफ देखने का विजन ही बदल गया. जैसे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लाइफ को देखते थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज ही हो गया. कि कैसे, कभी सोचा नहीं था कि वी कैन सी द प्रॉब्लम दैट पॉइंट ऑफ व्यू टू. कि जिसको हम प्रॉब्लम समझते थे वो प्रॉब्लम नहीं, शायद मेरी लाइफ को मुझे आगे पुश करने के लिए ऐसा था. पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, बहुत हाँ पॉसिबिलिटीज. आई सी सो मेनी पॉसिबिलिटीज एंड देयर इज सो मच ग्रोथ इन माय बिजनेस टू. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं इतना ग्रो कर पाऊंगी और इतनी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके मैं काम कर पाऊंगी. इवन इमोशनली, मतलब अगर एग्जांपल देके आप बताना चाहेंगे. आई कांट सी, पार्डन. आप एग्जांपल देके समझाना चाहेंगे? एग्जांपल ऐसा है कि मुझे एग्जांपल जैसे हम लोग काम करते थे, लेकिन ऐसे आइडिया नहीं था कि मैं इतनी कंपनी जिसका फेशियल 2000 से स्टार्ट होता है, ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैं टाई अप कर सकती हूँ. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं कर पाऊंगी. नहीं 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 नहीं. लेकिन एक्सेस में आने के बाद मेरा ऐसे हुआ कि यू थिंक एंड यू कैन क्रिएट मैजिक. यू थिंक एंड ये जो मिसेस गुजरात है, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए कैसे. आप 62 के हो, क्लासिक. एक तो लगते नहीं आप बिल्कुल 62 बिकॉज आई मीन दिस फील्ड, तो अपने को अपग्रेड रखना अच्छा है. और पता नहीं कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसे भी हो पाऊंगी. मुझे एक बार ऐसे जस्ट किसी ने ऐड करी कि ये होने वाला है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप बताओ. तो मैंने उनको बोला कि आप मेरा नाम तो लिखो, विदाउट मैंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किए, बिना ही बोल दिया कि ऐसा है. और वो आ गया, थोड़ा ग्रूमिंग हुआ एंड फाइनली आई वन. मुझे मालूम था, मैंने क्राउन को पहले ही अट्रैक्ट कर लिया था कि मुझे उस क्राउन तक जाना ही है. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बिकॉज आई वन चित्रलेखा मिसेस गुजरात 2016 में जो हुआ था. एंड ओके, यस यस, मिसेस गुजरात. लेकिन मेरी तो शादी टूटी हुई थी, सो आई इंटरनली फेल्ट कि मैं कैसे जीत सकती हूँ. बट यस, मैंने सारे टूल्स यूज कर लिए थे एंड आई वन. आई मीन मेरे लिए काफी अमेजिंग टाइम था. यस 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 यस.
मुझे ये बताइए कि where do you see yourself 5 years from now? 5 years now, पहले तो सबसे पहले in November I want to be Mrs. India Classic 2 and I want to go further for Pacific, Mrs. Pacific, Earth if I win and I definitely win. I know I will definitely. I can attract the crown because of excess. Yes, because yes. of excess, I am so confident कि वो मुझे ही मिलेगा. वो मुझे ही मिलेगा. ऐसे ही mind set करके ही मुझे जाना है. मुझे ऐसे सोचना भी नहीं कि मिलेगा या नहीं. मिलेगा ऐसा ही. कुछ कुछ ऐसे कोई. And I want big car, more luxury, and. नहीं कुछ एक ऐसे experience share कीजिए जो. Experience. रहा. जैसे मैंने विश किया था कि मुझे कार लेनी है लेकिन मुझे कार ड्राइविंग सीखनी है लेकिन मेरी विश ये थी कि मुझे अपनी कार पे ही सीखना है मैं खुद परचेज करूं और उसके ऊपर करूं लेकिन पता नहीं सम हाउ विद इन अ ईयर आई परचेज माय ओन कार विच आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इतने जल्दी कर सकती बिकॉज ऑफ माय बिजनेस आई ग्रो इन द बिजनेस एंड आई वाज कैपेबल टू बाय अ कार देन आई परचेज माय ओन कार एज नहीं पूछी जाती है लेडीज ही नहीं नहीं आज कितने आई वाज 55 एंड तब आपने सीखा गाड़ी चलाना सीखा एंड अरे साइकिल भी नहीं आता था चलाना पहले तो साइकिल भी नहीं आता था फर्स्ट आई परचेज हाँ फर्स्ट आई परचेज एक्टिवा आई लर्न साइकिल एक्टिवा काइनेटिक एंड देन कार आई परचेज 3 व्हीकल्स यस 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 माय ओन बहुत बढ़िया मतलब एक्सेस करने के बाद आपके अंदर वो जो एक हिम्मत और कॉन्फिडेंस है वो एग्जैक्टली अपने आप को किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं अपना मोटिवेशन खुद ही सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा आया बहुत ज्यादा आया तो आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कि आप यू नो किसी उम्र की वजह से हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए वो जैसे था ना उम्र का बढ़ना तो वक्त की डिमांड है महसूस ना करो तो उम्र कहाँ है दोस्तों उम्र का बढ़ना तो तकाजा है दोस्तों महसूस ना करो तो उम्र कहाँ है दोस्तों ऐसे क्या बात है और वैसे भी एक्सेस हाँ. तो वैसे यंग हो जाते हैं एक्सेस एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली इसलिए सही बात है एक्सेस बार्स देख लो या अगर आपको अपनी उम्र थामनी हो ना लोगो प्लीज बार्स रन करवाइए उम्र हो रही है तो कुछ शब्द अपने आसपास के लोगों के लिए एज अ वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन क्या कहना चाहेंगे अपने हम उम्र लोगों को या अपने से छोटे बड़े लोगों को क्या कहना चाहेंगे मैं तो सबको ये बोलूंगी अगर पॉसिबल है तो कम एंड जॉइन एक्सेस और अपनी लाइफ का विजन ही आपका चेंज हो जाएगा बच्चों को तो जरूर कराओ जो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां तक उनका विजन जा सकता है जो हम सोचते नहीं कि हम ये कर पाएंगे लेकिन हम वहां तक पहुंच जाते हैं करते नहीं हम वहां तक पहुंच ही जाते हैं डेफिनेटली निकल जाती है एग्जैक्टली 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 अपने ऊपर की टूटी हुई जो जजमेंट कंक्लूजन है वो सारे हट जाते हैं अरे हाँ जो आप उड़ सकते हो जैसे सब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं एग्जैक्टली यू कैन फ्लाई ये And I would really, you know, कितना अच्छा होगा कि आप इंडिया पैसिफिक और वो जो आप अर्थ जो भी लेवल पे जाएंगे मिस क्लासिक 2021 बट आप कह रहे हो नवंबर में ही है ये मिसेस इंडिया राइट हाँ हाँ यस वो तो है हो जाएगा नवंबर में गोवा में है कोरोना के वजह से होने की चांसेस हैं हाँ है पहले तो मई में था हो जाना था लेकिन अभी कह रहे हैं नवंबर में हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एक हुआ है तो उस जोन से आ गए हैं हाँ तो हो गई हाँ वंडरफुल डेफिनेटली होगा ऑल द लक दैट यू डिजर्व थैंक यू मे यू विन एंड मेक एक्सेस प्राउड मेक एवरीवन अराउंड यस 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 श्योर थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड योर एक्सपीरियंस क्या क्या आपकी जिंदगी में चेंज हुआ है एंड Thanks, Kavita. It's all because of you too. You are also the supporter. Yes, yes, yes. आपने choose किया वो बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे कितने मात्र से कुछ नहीं होता है. And लोगों अगर आपको खूबसूरत बनना है, अहमदाबाद में इनका सैलून है, Sapphire करके, Sapphire Iris, right? No, Sapphire and it's Renu's Beauty Care. Yes. Oh,
रेनूज ब्यूटी केयर, आई एम सो सॉरी, तो मुझे लगा यहां पे सारे लिखा है ये होगा रेनूज ब्यूटी केयर. 26 सालों से ये स्किन ट्रीटमेंट में है एंड शी इज डूइंग एक्सीलेंटली वेल. लोगों को कैसे ब्यूटीफुल इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी का कॉम्बिनेशन है पूरी तरह से. इवन मेरे क्लाइंट्स बाहर लेते हैं, मेरे से क्लाइंट्स बाहर लेते हैं, वो बोलते हैं कि आंटी आप क्या करते हो जो फेशियल करते हो, तो वो भी बाहर देते हैं क्लाइंट्स. वंडरफुल. सो फेशियल के साथ साथ इनर एंड आउटर ब्यूटी का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं. कॉन्टेक्ट रेनू जी इफ यू वुड लाइक टू चेंज योर वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू कविता. बाय. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बाय. 9 p.m. Exposé with Kavita Kapoor Khalsa. See you with a new guest with a new story. Bye-bye.